कटनी जिले की पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में भी उपनिर्वाचन के दौरान ग्रामीण मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। इस कड़ी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा ग्रामीण लोगों को मतदान करने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गौर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर और मतदाता जागरूकता के नारे लगाते हुए लोगों को मतदान का महत्व बताया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने रंगोली बनाकर भी लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं द्वारा गांव में घर घर जाकर पंपलेट बांटे जा रहे हैं, जिसमें अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की गई है। वहीं सेक्टर सुपरवाइजर ने महिलाओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई मतदान की शपथ भी दिलाई। इस दौरान मतदाताओं से भयमुक्त होकर निष्पक्ष ढंग से शासन की कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए मतदान करने की अपील की गई। यहाँ पे हमने सारी अपने आंगनबाड़ी वर्कर के द्वारा गांव में जितने भी मतदाता हैं सभी को जागरूक किया है और सबको इस बारे में भी बताया है कि कोविड को लेकर वो निश्चिंत रहें। सारी सुविधाएं बूथ पर की गई हैं, आने जाने की, मास्क की, सैनिटाइजर की, तो ऐसा कोई समस्या नहीं रहेगी। और जो विकलांग हैं उनके लिए भी सुविधाएँ दी गई हैं कि वो कार्यकर्ताओं के साथ जाएँ और सभी मतदान करें, 100% मतदान हैं। वोट डालवे सभी को सुबह 7 बजे से वोट डाल लिए जाने हैं। सबको बता दिया, सबको मोहल्ले में पड़ोस में बता दिया है, देवरानी जिठानी से हमने सब लोगों को कह दिया है, पड़ोस में मोहल्ले में कह दिया है। मैंने अपने आस पड़ोस में सबको जागरूक कर दिया है कि 30 तारीख को वोट डालने जाना है, आगामी 30 तारीख को। और पुरुषों को भी बोल दिया, महिलाओं को भी बोल दिया, पड़ोसियों को भी बोल दिया, सब लोग को जागरूक होकर मतदान करना है। निष्पक्ष और निर्विघ्न होकर अपना मतदान करें, ये हम लोगों का प्रयास रहता है। इसके लिए जो जिला पंचायत के सीईओ हैं उन्हें नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिला पंचायत के सीईओ के माध्यम से ग्राम पंचायत पे बूथ लेवल स्तर पर नगरीय निकायों में विभिन्न प्रकार के जो स्व सहायता समूह हैं या जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और दूसरे प्रचार प्रसार के तरीके हैं, आमंत्रण पत्र इत्यादि भी हम लोगों ने छपवाए हैं लोगों को मतदान की तरफ जागरूक करने के लिए। और भी दूसरे प्रकार के जो सिम्बोल होते हैं हम लोग लोगों को भेंट कर रहे हैं ताकि लोग इसकी तरफ उन्मुख हों। रंगोली या दूसरे और अन्य साधन हैं जिनके माध्यम से हम मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें अच्छा रिस्पांस भी आया है। निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए मतदान 30 अक्टूबर को होना है, जिसके लिए मतदान दलों का आखिरी प्रशिक्षण टीकमगढ़ के शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय क्रमांक 1 और 2 में 2 सत्रों में आयोजित किया गया, जिसमें पी से लेकर सभी मतदान दलों में ड्यूटी कर रहे कुल 1520 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक और मास्टर ट्रेनर्स द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए सभी को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में मतदान दिवस के दौरान ईवीएम के प्रयोग, मॉकपोल, वीवीपैट, सीयू एवं वीयू को जोड़कर मतदान कराना जैसे कार्यों की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में कोविड-19 से बचाव के लिए शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए भयमुक्त निष्पक्ष मतदान कराने के तरीके से मतदान कर्मियों को अवगत कराया गया। आज पूरे मतदान दल का है, आज 2 पारी में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसमें 1520 लोगों को आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये इनका मतदान दल का अंतिम प्रशिक्षण है। इसमें जो मतदान के प्रारंभ से लेके और मतदान प्रारंभ होने के बाद और मतदान सामग्री जमा करने तक का पूर्ण प्रशिक्षण है, मतदान सामग्री प्राप्त करने तक का प्रशिक्षण दिया गया है। सत्र में संपूर्ण प्रक्रिया इस ट्रेनिंग के दौरान बतलाई गई है।